गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज चुके हैं और आपकी कक्षा 10 NCERT गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे यार, अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम 10th की परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स लाएं, तो ये चाहने से ही सिर्फ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। उसके लिए दिन रात एक करना होगा, मतलब लोगों से हट के कार्य करना होगा। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10 NCERT पैटर्न पर आधारित अभ्यास 5 का सी, जिसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। आज हम लोग देखेंगे 5C का क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने देख लिया था तीसरा सवाल तक, अगर नहीं देखा था तो कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी लिंक वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर नंबर दिया गया, उस पर संपर्क करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, इसमें दिया क्या क्या है। ए की वैल्यू दिया है, मतलब कि प्रथम पद दिया है। An 13 दिया है, मतलब 13वां पद दिया है। और निकालना है डी और S7 13, मतलब योगफल निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जो जो दिया है हम रख देंगे और ये सूत्र लगा देंगे, An = A+N-1 × D। तो An का मान यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो दिया है, कितना दिया है, 35 दिया है। इसको आप रख देंगे 35, मतलब ये 13। और A का मान दिया है 7 प्लस N का मान, देखिए यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 13 उसमें दिया गया है ना, आप इसमें N की वैल्यू जो है वो 13 को रख सकते हैं। जल्दी से फटाफट रख दें और मान निकाल लें। तो N की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 13 और -1 × D। इस तरह से 35 से इधर आएगा 7, तो घट जाएगा और फिर ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12D हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 12D, मतलब कि बराबर में रहेगा दूसरे साइड में 12D। इसमें से 7 घटाएंगे आपका आ जाएगा 28 इक्वल 12D, मतलब कि 12 नीचे हो जाएगा। इसे आप जब काट देंगे, दूसरे कटेगा 14 दूछंग 12, इसे आप 4 से काट सकते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दिया 12, यानी कि D की वैल्यू आपका आ गया कितना, 7/3। जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट सभी लोग जल्दी से लिख लें, टिक की वैल्यू आ गया 7/3। क्लियर है, आगे चलें। देखिए अगर आपने डी की वैल्यू निकाल लिया तो इसका मतलब आपको बहुत कुछ इसमें मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, फार्मूला लगाना है योगफल वाला और ये 13 की वैल्यू निकाल लेना है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए हम आगे से जैसे हटे वैसे आप लोग तुरंत छापना शुरू कर दें और फटाफट छाप लें, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इतना हो चुका है, अब हम आगे इधर फार्मूला रखेंगे, गौर करिएगा। इसको हम मिटा दें, ये सवाल का पार्ट है, याद रखिएगा, ये 13 हमें ज्ञात करना था, इधर हम मिटा करके और सवाल को करने चल रहे हैं। ठीक है, सवाल तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, आपके बुक में भी दिया गया है, अगर नहीं मिलेगा तो बताइएगा। अब हम निकालेंगे ये 13 इक्वल N/2, ये फार्मूला होता है योग का, 2A+N-1 × D, है ना, यही सूत्र तो होता है, इसी में मान रख देना है। बस फटाफट आपका मान जो है ना वो दौड़ते हुए आ जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, A का वैल्यू दिया गया है और जो भी चीज़ दिया गया है सारा प्लान इसमें हमें फटाफट रख देना है और फिर मान आपका आ जाएगा। चलें फिर आगे बढ़ें, तीसरा तक आप लोगों ने देख लिया, चौथा सवाल से मान रखना है ना। जी बिल्कुल, चौथा सवाल आ चुका है। ठीक है, यन का मान देखिए क्या रखना है, 13 रखना है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये देखिए A13 35 दिया है, इसका मतलब 13वां पद दिया है जो, ठीक है, तो यन का मान आप रखेंगे 13/2। 2 A का मान आप क्या रखेंगे, ये जो दिया है 7, और फिर प्लस N मतलब 13 -1 × D का मान 7/3 अभी आप लोगों ने निकाला था, है ना, सब कुछ क्लियर, इसी को हल कर देना है, बस फटाफट आगे बढ़ चलना है। चलें, देखिए इसमें आप लोगों ने सारे मान रख लिए, जल्दी से फटाफट नोट कर लें, जिसको जिसको नोट करना है लिख लीजिए, तुरंत देर ना करें।
कर लिए। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 13/2 और ये 2 × 7 = 14 और धन ये घटेगा तो 12 आ जाएगा, 12 × 7/3 और इस तरह से यहाँ से आप काट सकते हैं, 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 13/2 और ये 14 + 7 = 28। यहाँ आप पाएंगे 13/2 × 8 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जान रहे हैं, ये 8 × 4 = 12 हासिल आया, 1 × 2 = 3 × 4 = 42 आएगा। 2 से आप काट देंगे हो जाएगा 21, जब आप गुणा कर लेंगे 13 का तो 13 × 13 हासिल आया 1 × 13 = 26 = 27। इस तरह से आपका जो यस 13 है वो आ गया 273। नोट कर लीजिए फटाफट, यस 13 273 आ गया, डी का वैल्यू आपका 7/3 आ गया। इस तरह से आपसे दो इसमें मान पूछा गया था और दोनों आ चुका है, फटाफट नोट कर लीजिए और तुरंत फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए एक नज़र में देख लीजिए सभी को, ये पूरा का पूरा आपको एक नज़र में दिख रहा होगा और आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लें, हो गया ना, वीडियो को इसी पर रोक लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आगे चलें। अगला सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अभ्यास 5C का क्वेश्चन नंबर ये है 4 और 4 का है 9वां पार्ट। देखिए पहला आपने देख लिया, उसके पीछे के सभी जो 6-7 पार्ट हैं सेम टू सेम वैसे होंगे, आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आएंगे तो बताइएगा, हम उसको फिर से आपके क्लास में शामिल कर देंगे, ठीक है, ओके क्लियर। 9th नंबर सवाल देखते हैं पहले, यानी कि 4th का 9वां भाग, जिसमें अजीब सा है ये, इसलिए मैंने इसको शामिल किया, इसमें यल की वैल्यू दी है, एस का वैल्यू दिया है और कुल 9 पद दिए हैं, तो ए का मान निकालना है। इसके लिए आप ये नया सा फार्मूला लगाएंगे, एस एन का वैल्यू आपका 144 दिया है, इसको रख देंगे, एन का वैल्यू आपके पास 9 है, कह रहा है 9 पद है टोटल, ए का वैल्यू हमें निकालना है, नहीं पता है, अंतिम पद 28 दिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। इधर से 144 इधर आएगा, उधर क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना, और फिर भाग में हो जाएगा, हम लोग हल करेंगे तो फिर गुणा में हो जाएगा, तो 144 गुणा क्या हो जाएगा ये, और गुणा में होके ये पलट जाएगा, आप जानते हैं ना 2/9 हो जाएगा, है ना, बराबर ए प्लस 28, बस इसी को हल कर लेना है, आप जानते हैं 16 × 9 = 144 होता है, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54, ये 16 × 2 हो जाएगा 32 बराबर ए प्लस 28, तो ये 32 − 28 बराबर ए, और इस तरह से आप इसे घटा करके क्या बोलेंगे, 6 = a, या फिर a का मान कितना आ गया, 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे ध्यान दीजिएगा, 2/9 तो हो जाएगा, ये बराबर 32 भी हो जाएगा, बट 28 × 4 = 32 होता है बाबू, ये गड़बड़ यहाँ हो रहा था, मैं यही सोच रहा था, ये जो 6 कर दिया था ना, देखिए थोड़ा सा इस समय आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, क्लास ये रिकॉर्ड होती है बहुत रात में, रिकॉर्ड होती है लास्ट टाइम में, यानी कि 2 बजे 3 बजे रात में, ऐसे आप 8 बजे देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिन भर क्लास चलते चलते ना माइंड एकदम वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया, बहुत ही आसान था ये, वेरी सिंपल सा। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं हर दिन, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और फटाफट क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी कंप्लीट मैथ आपके पास तक पहुंच सके। अगला देखिए 5वां नंबर सवाल है, ये कह रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, कह रहा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्या, तो 100 के बाद जो विषम संख्या आएगी 101 आएगी, फिर 103 आएगी, फिर 105 आएगी, डैश डैश 107 नहीं 197, फिर 199 आएगी लास्ट में, है ना, क्योंकि बाद में 200 हो जाएगी, 200 तो विषम है नहीं, तो पीछे से 199, 97, 195 ऐसे आएगी, आगे से ऐसे बढ़ेगी, समझ गए ना, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं से बनी श्रेणी, एक श्रेणी बन जाएगी ना, तो आप इसे ऐसे लिखिए 100
200 के बीच की विषम संख्याओं से बनी श्रेणी। देखिए श्रेणी कैसे बन रही, ध्यान दीजिएगा। 101 धन 103 धन 105 डैश डैश ये 197 और 199, क्योंकि 200 के बीच यही तो आएगी ना। क्लियर, नोट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यन्मा पद हमें निकालना है, जो कि नहीं मालूम है ना। तो यन्मा पद आप निकाल लीजिए फटाफट, यन्मा पद। और यन्मा पद निकाल लेंगे मतलब कुल कितना पद है, तो आप जान जाएंगे सब कुछ। आप लिखिए यन्मा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एनवा पद यानी कि अंतिम पद जो है, यन्मा पद कितना है 199, यहाँ पर आप रख देंगे 199। ए का मान सबसे पहला कितना था 101 धन, एन का मान निकालना है। डी का मान आप देख रहे होंगे 101 के बाद 103 105, दो दो का डिफरेंस यानी कि दो है। आप इसे लगाएंगे तो 199 माइनस 101 और ये हो जाएगा का n माइनस वन इंटू टू। जल्दी से इतना छाप लीजिए फटाफट, जल्दी करें, देर नहीं, फटाफट जल्दी से लिखें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते चलें, है ना। हो गया, लिख लिए ना सभी लोग? हाँ जी बिल्कुल, अच्छी बात है। अब आप गौर करिए, एक बात ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम जब इसका अंदर में गुणा करेंगे, जो भी होगा जाने दीजिए, 101 इसमें से घटाए लेंगे तो 100 घटाएंगे 99 बचेगा, यानी ये बचेगा 98/2 बराबर एन माइनस वन, इसे आप काट देंगे 49 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप कंप्लीटली बोल सकते हैं 49 धन 1 बराबर 50, यानी कि जो यन्मा पद आया वो 50 आया। कहने का मतलब ये है कि 100 और 200 के बीच जो विषम संख्या होगी वो 50 विषम संख्या होगी। कितनी होगी? 5050। इसको छाप लीजिए तो हम आपको बताते हैं। यन का मान 50 आ गया, इसको नोट करिएगा और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जिनको नहीं दिख रहा था वो लोग देख लें और फटाफट लिख लें, है ना। यन का मान 50 आ गया। वीडियो को इसी पर रोक लीजिए, तुरंत जस्ट रोक लिए, आगे देखिए। अगर आपने रोक लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यन की वैल्यू आ गई, अब हम लोग इसी में हल कर देंगे क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसी में इसको अब हम हल कर देंगे, ठीक है। तो मान रख दीजिए सिंपल में, आप जो फार्मूला होता है दूसरा वाला हमें मालूम हो गया, यहाँ पर एन का मान भी मालूम हो गया। एन बराबर 50 है, ए बराबर 101 है, डी बराबर 2 है, और क्या ज्ञात है? लगभग सब कुछ तो ज्ञात है। तो ये एस एन बराबर रख दीजिए, कौन सा नया वाला फार्मूला, ए प्लस एल यानी एन बटा दुई ए प्लस एल, ये आ गया। इसी में मान रख दीजिए फटाफट, जल्दी से मान रखो, फटाफट हल कर लो, बस एक सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। तो यस एन का मतलब 50, क्योंकि 50 पद था, तो ये रख दो ना बाबू 50, ये हो गया। ये ए का मान पहला पद 101, अंतिम पद 199, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना आएगा, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 300, है ना। 25 के यहाँ 75, 20 और बढ़ जाएगा 75 के बाद में, आप कह सकते हैं 7500। यस 50 मतलब 7500 इसका आंसर आएगा। अगर इसे आप सिंपल में देखेंगे तो कैसे होगा, कह रहा था 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल, मतलब इसका ये कि हम लोग 101 जोड़ें, फिर उसमें 103 जोड़ें, फिर 105 जोड़ें, 107 जोड़ें, 109 जोड़ें, ऐसे ऐसे 199 तक सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 7500 आएगा। लेकिन अगर ऐसे आप करेंगे ना तो बहुत कष्टकारी कहलाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये ट्रिक चलते हैं। लेकिन नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को इसी पर रोक लीजिए टच करके, तुरंत देर ना करें। हो गया, आपका अगला सवाल आ चुका है। आप लोग जल्दी से सभी लोग बाबू इस क्लास को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करके बताएं, बिल्कुल फुल HD क्वालिटी दिख रहा है ना, इसे आप 1080 पिक्सल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छी क्वालिटी में आपको दिख रहा होगा,
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, आठ के प्रथम 15 गुणजों को लिखिए। गुणज मतलब क्या होता है? देखिए, आठ के गुणज बताएं क्या क्या होगा। वो संख्याएं जो आठ से कट जाए, मतलब आठ का पहाड़ा में जो आए, कुल मिला के जान लीजिए। तो आठ के जो प्रथम गुणज है वो आठ होगा, फिर 16 होगा, फिर 8 3 24 होगा, 8 4 32 होगा, 8 5 40 होगा, ऐसे ऐसे डैश डैश करके जो 15 गुणज हमें निकालना है। कितना निकालना है? 15। तो 15वां गुणज आपका क्या होगा, जान रहे हैं? ये नहीं मालूम 15 गुणज क्या होगा? आप यहाँ लिख सकते हैं 15 पदों तक, लेकिन क्या होगा इसको आप जोड़ के नहीं बता सकते ऐसे। तो अब लिखिए इसमें दिया है क्या क्या। ए बराबर दिया है 8, डी बराबर दिया है, गुणज मतलब जानते हैं 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, मतलब 8 दिया है। और क्या कह रहा है, 15 गुणजों को ज्ञात कीजिए, मतलब कि n बराबर क्या दिया है, 15 दिया है। अब आपको सिंपल सी बात है, योगफल ज्ञात करना है, तो रख दीजिए एस एन बराबर कौन सा, अरे वही n अपान 2, और ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले में एस एन। n का मान आप क्या रखेंगे, वही कितना बोल रहा है n का मान, 15 ना, तो 15 रख दीजिए फटाफट, 15 रख दीजिए, बस आपका उत्तर आ गया जो भी दिया था। ये देखिए, ये हो गया 15/2 गुणा ए का मान 8 धन n, मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 8। हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 2 8 16 प्लस इसमें से घटेगा आ जाएगा 14, और 14/8 आप जानते हैं 112। अगर पहाड़ा नहीं आता तो कमेंट करिएगा, बताएंगे। 14 6 102 14 7 128 14 8 112 8 34 8 1 3 11। अब इसे आप जोड़ लेंगे और फिर इधर साइड हल कर देंगे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, परेशान मत होइएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बाबू आपका 15/2 गुणा आप 16 में जब 12 जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 1 2 मतलब 28, यानी 128 आ जाएगा। 2 से काट देंगे आप, 2 6 12 2 4 64 2 4 8, अब गुणा कर लेंगे 15 से 15 4 60 हासिल 6 15 6 90 6 96, इस तरह से आपका यह आ जाएगा 960 उत्तर हो जाएगा। मतलब कि 8 के जो 15 गुणज है ना, उनका योगफल 960 होगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप 8 में ऐसे जोड़ेंगे 16 24 फिर 32 फिर 40 फिर डैश डैश 15 पदों तक जोड़ेंगे जब आप, तो वो कुल मिला करके फाइनल में 960 आएगा। समझ गए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट छाप लीजिए। आपका छठा क्वेश्चन भी हो चुका है, इसके बाद ये छठा का दूसरा आप लोग कर लेंगे, सेम टू सेम है। सतह वाले में क्या कह रहा है, सातवां में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है, मतलब कुल नहीं कुछ पदों का। सर्वांतर 4 तथा अंतिम पद 31 है, तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दो समीकरण बनाने होंगे और आप कर ले जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, 5 का सी काफ़ी बड़ा है बाबू, तो अभी एक क्लास इसकी और होगी, टेंशन मत लीजिएगा। आपकी क्लास बड़ी बड़ी होने लगेंगी, एक एक दो दो घंटे की, फिर हम जल्दी जल्दी से खींचते चलेंगे। अभी आप लोग कृपया शेड्यूल बनाए रखें, बस जल्दी से रोक लीजिए वीडियो को, रोक करके नोट कर लीजिए, कर लिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया PBR स्टडी को YouTube के अलावा Facebook पर अवश्य लाइक करें। Facebook पर सर्च करें PBR स्टडी, आपको जरूर मिल जाएगा, और इसे वहां पर अगर आप लाइक करेंगे Facebook पेज, तो आपको सभी क्लास Facebook पर बिल्कुल मुफ्त में मिलती रहेगी। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स हर दिन देखने के लिए आप हमें WhatsApp करें, इस पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि आपको कंप्लीट मैथ मिल सके। नहीं तो हो सकता है कि आपको बीच बीच में YouTube पर क्लास ना मिल पाए और आपका कोर्स इस तरह से कंप्लीट ना हो पाएगा। पढ़ाई से संबंधित और अपनी जानकारी के लिए विजिट करें आपकी अपनी PBR स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट pbrstudy.com। यहां से आप पढ़ाई से संबंधित अपने सभी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल, क्वेश्चन का सलूशन और वीडियो फाइल सब कुछ पाएंगे PBR स्टडी पर, एक बार अवश्य विजिट करें। कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सभी की उम्मीदों को बनाए रखते हुए
एक बार फिर से हम उपस्थित होंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिय मित्रों, आप लोगों के सहयोग से आज इंडिया में 67,000 प्लस स्टूडेंट पीवीआर स्टडी के साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी के इतना प्यार बनाए रखने के लिए हम आपके आभारी हैं। तो फिर से अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा शाम को 7 बजे से। जीरो लेवल मैथ, इस समय आपकी 7-8 क्लास चल रही हैं, उन्हें सभी को देखते रहें, बिल्कुल देखते रहें, इंजॉय करते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपका मित्र भी क्लास ज्वाइन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।